वेलकम टू शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड कैप्सिकम। तो मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 5 छोटे कैप्सिकम हैं। देखिए बहुत ही छोटे साइज के हैं, ये देसी कैप्सिकम होते हैं। और अगर आप बड़े ये नहीं मिलते, बड़े मिलते हैं तो भी इट्स ओके। तो चलिए इंग्रेडिएंट आगे के देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 5 कैप्सिकम लिए हैं। मैंने 2 मीडियम साइज आलू जो है बॉईल करके स्मैश करके रखा हुआ है, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, धनिया जो है मैंने एक छोटा बाउल लिया है, इसे भी काट लिया है बारीक। अगला इंग्रेडिएंट है एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच ये जो है चाट मसाला है, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, हम 2 छोटे चम्मच हल्दी लेने वाले हैं, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, और करीबन जो है शैलो फ्राई करने के लिए हम कैप्सिकम को 2 से 3 चम्मच जो है तेल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको है ना कट करने का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं, तो हमें इनका कवर हटाना नहीं है, बिल्कुल इस तरह से कट करके इसके अंदर के जो सीड्स है वो हमें हटा लेने हैं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें इतने सीड नहीं होते हैं, तो ये देसी कैप्सिकम है। अगर अवेलेबल होते हैं तो बिल्कुल ले लीजिएगा, इसमें सीड्स नहीं होते हैं, तो इसे हम एज अ कवर हम जो है इसको यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अब हम जो है स्टफिंग की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आलू। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, प्याज और धनिया। ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे गरम मसाला, चिली पाउडर, चाट मसाला, 2 चम्मच हल्दी और नमक, नमक जो रहेगा स्वाद अनुसार। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स कर लीजिए। और एक जो है करीबन 30 से 40 सेकंड में इसको मिक्स करने वाली हूँ। ये देखिए मिक्सर तैयार है। अब हम जो है इन कैप्सिकम्स को जो है इससे स्टफ कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से स्टफ करना है, मैक्सिमम क्वांटिटी हमें इसमें ऐड करके स्टफ करना है, और ये जो है इसका कवर हमें इस तरह से रख देना है। तो चलिए बिल्कुल इसी तरह से जो है सारे कैप्सिकम स्टफ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है ये कैप्सिकम तैयार हो गए हैं, स्टफ होकर बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो चलिए हम जो है इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को ऑन करेंगे। ये मैंने ऐसे पैन लिया है, हाँ ये आपके पास अगर नहीं होता है तो कढ़ाई में भी आप जो है कुक कर सकते हैं। अब जो है मैं इसमें अच्छे से हर जगह पे थोड़ा सा पहले तेल स्प्रिंकल कर दूंगी, फिर हम जो है हमारे सारे कैप्सिकम्स इसमें रख देंगे। ये देखिए स्प्रिंकल हो रहा है तेल, क्योंकि थोड़ा सा कैप्सिकम जो होता है तो स्किन टफ होता है, तो हम ऊपर से भी थोड़ा सा हल्का सा ड्रिजल कर देंगे। और इसे जो है हम लिड ऑन करके इसे करीबन मीडियम आंच पे 5 से 6 मिनट तक हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने जो है 4 मिनट हुई है और मैंने चेक करने के लिए ओपन किया है, तो देख सकते हैं थोड़े से कुक हो चुके हैं, पर अभी भी जो हमारा स्टफिंग है वो अच्छे से कुक नहीं हुआ है। तो हम जो है इसे टेंडर सॉफ्ट होने तक जो है इसे और 3 से 4 मिनट तक हम इसे ढक कर जो है कुक करने के लिए छोड़ देंगे। 4 मिनट हो चुके, मैंने लेड हटा दिया है। ये देखिए अब हम जो है कैप्सिकम जो है थोड़े से तिल हो गए हैं, इन्हें ज़्यादा जो है स्टिर वगैरह नहीं करना है, बस थोड़ा सा अब स्लाइटली हम जो है हर एक डायरेक्शन में ये थोड़ा सा कुक हो जाए, हर एक को थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन में हमें मूव करना है, बस इतना सा ही। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये जो है कुक हो चुका है, ये साइड भी जो है काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम जो है इसे बिना लिड बगैर लिड के हम जो है इसे टर्न करके करीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम पकाने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारे कैप्सिकम हो चुके हैं और हम गैस को टर्न ऑफ कर देते हैं। ये देसी कैप्सिकम है इसलिए जल्दी पक गए हैं। इनकी स्किन जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको देसी कैप्सिकम मिलते हैं जिससे स्किन थोड़े सॉफ्ट हो तो वो ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज जो रेगुलर बड़े साइज के कैप्सिकम मिलते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है कि कुकिंग टाइम थोड़ा सा जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा स्टफ्ड कैप्सिकम। बहुत ही सिंपल, इजी, क्विक और जल्द से बनने वाला रेसिपी है। टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। अंदर जो हमने आलू स्टफ किया है वो जो है थोड़ा सा ड्राई है। और देखिए, आप देख सकते हैं लीड जो है, मैंने जैसे मैंने कहा था कि इसको जस्ट ऐसे ही हमने कवर के हिसाब से रखा है। ये भी कुक हो चुका है अंदर का। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसी बनी है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी क्विक, इजी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।